डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक एंड हैप्पी होली यस दिस वीडियो इज रिकॉर्डेड टुडे ऑन द ऑस्पिस डे ऑफ होली और जैसे कि uh, मैं कर रहा हूं मैं कोशिश कर रहा हूं कि इवन uh, होली खेलने से पहले मैं भी जाऊंगा लोगों से मिलूंगा लेकिन उससे पहले अपना थोड़ा काम कर लें तो मैं मॉर्निंग से आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ वैसे ही मैं आशा करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट भी इसी स्पिरिट से इससे पहले कि वो होली सेलिब्रेट करें अपना काम कर लें आपको पी आई क्यू ए देखनी है आपको एम सी क्यू कुछ ट्राई करनी है कुछ नई चीजें पढ़नी है सुबह पढ़ लीजिए उसके बाद आपको फील हुआ कि आपने अपना टास्क कर लिया नाउ यू कैन इंजॉय वंस अगेन ए वेरी हैप्पी होली और होली जो है एक बहुत ही स्पेशल फेस्टिवल है इसको किसी रिलीजन से जोड़ने की जरूरत नहीं है इसमें सभी लोगों को मिलकर भाग लेना चाहिए ये रंग खुशी उत्साह जो जीवन एक खुद एक मैजिक है मैं हमेशा कहता हूं उस मैजिक का एक मैनिफेस्टेशन है जिसमें आप खुल करके जो है इन्जॉय करने की कोशिश करते हैं लोगों से गले मिलते हैं रंग अबीर जो लगाते हैं वो ये शो करता है कि आप लोगों के जीवन में रंग भर देना चाहते हैं खुशियों से भर देना चाहते हैं गले मिलने का मतलब है कि जो गिले शिकवे हैं वो दूर होते हैं और आपको मतलब एक जो आलिंगन का जो है स्पर्श बहुत इंपॉर्टेंट है आपको फील होता है कि ये आपका वजूद है और दूसरे के वजूद से आपका जो है नाता है तो ये सब फीलिंग जो है वो होली के दिन आती है अच्छी एनर्जी आती है लेकिन उसका यूज आप अपने एग्जाम प्रेप के लिए भी करें ये मेरी सलाह होगी उससे नई ऊर्जा आप में भरनी चाहिए सो लेट अस बिगिन जैसा मैंने कहा था कि जे uh, के बाद ए को डिस्कस uh, करेंगे फिर सी पी यू टी ओडिशा और मे बी फिर असम के भी कुछ यूनिवर्सिटीज क्योंकि ये सब छिटके हुए हैं ये सी यू से नहीं है तो चलिए देखते हैं कि ए किस तरीके से अपने एग्जाम ट्वेंटी में ले रहा है जो पॉल साइंस मास्टर्स कोर्सेज से रिलेटेड है उसके बारे में जो जानकारी चाहिए निहाय जरूरी जानकारी वो आपको देने की कोशिश इस वीडियो में की गई है इससे पहले कि हम लोग इस वीडियो को फॉर्मली स्टार्ट करें और इंफॉर्मेशन के साथ आपको बताना मेरा कर्तव्य है और आपका अधिकार जानना कि जस्ट आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं इसमें बहुत इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि अभी सी ई की कोर्स खत्म हुई है लेकिन ये एग्जाम थोड़ी अलग टाइप के क्वेश्चन डिमांड करते हैं तो मुझे uh, मैंने पोल कराया था आप लोगों ने कहा उस बेसिस पे क्रैश कोर्स जो है जी एम आई एम यू सी पी यू टी उड़ीसा C.P.G. Assam and असम universities अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। अब ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है कि हर एग्जाम के लिए अलग अलग तो टेस्ट सीरीज किए नहीं जा सकते इट इज नॉट फीजिबल तो मैंने एक कंबाइन किया आई होप कि मेरे स्टूडेंट इस प्रयास को समझेंगे और उसी तरीके से इसका फायदा उठाएंगे इसमें मैं कर क्या रहा हूँ कि 16 जो थीम वाइज मॉक टेस्ट पेपर हैं वो ऐसे हैं कि ये सभी एग्जाम को कवर करें जिन लगभग उनके पेपर को मैंने बहुत ठीक से एनालाइज किया है और उसके बेसिस पे बनाई है तो आप कोई भी टेस्ट पेपर लेंगे तो आपको इन चारों एग्जाम का एक फील जो है वो आएगा जैसे जैसे अब देखिए क्या दिक्कत है कि सबकी अलग अलग डेट है जीएमआई जो है नौ मई को खत्म हो जाती है एमयू अभी शायद जून में होगी अभी पता भी नहीं है सीपी यूटीवर्सा का पता नहीं है जून में होगी ये सब भी मई जून में ही होगे तो जीएमआई के लिए कोशिश करेंगे कि उनको जो जरूरी है वो जल्दी करा दें नाइन मई तक फिर जो है जून में हम लोग आगे बढ़ेंगे इन सब एग्जाम के लिए तो ये मैं कोशिश करूंगा लेकिन आपको ये लिमिटेशन समझनी चाहिए कि जब ग्रुप में बहुत तरह के स्टूडेंट होते हैं तो आपको थोड़ी कंप्रोमाइज और थोड़ी जो है एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है देन uh, uh, हर टेस्ट के यहाँ पे एक बात मैं हमेशा कहना चाहूंगा कि ये क्लास क्लास लोग कहते हैं ये क्लासेज नहीं है इस बात को समझिए इसमें जो मैं क्लास वर्ड यूज करता हूं विथ डाउट क्लियरिंग डिस्कशन काउंसिलिंग है इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए मैं कोई एक्चुअल इसमें लेक्चर नहीं लेता वो तो मेरे फ्रीली अवेलेबल है मेरे वीडियो सारे टॉपिक पे जो है मेरे चैनल पे अवेलेबल है और आप बुक में भी पढ़ सकते हैं लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ये जो मॉक पेपर हम लोग बनाते हैं उसको मैं डिस्कस करता हूँ कि उसमें क्या चीज़ें हैं और फिर आपको मौका देता हूँ कि आप जितना पूछ रहे हैं उस पर उसको डाउट क्लियरिंग सेशन कहते हैं फिर हम लोग डिस्कस इन जनरल एग्जाम प्रेप करते हैं और काउंसिलिंग भी जो मुझे समझ में आई है जीवन के बारे में एग्जाम के बारे में वो आपके क्वेश्चन आंसर के थ्रू मैं कोशिश करता हूँ आपको शेयर करने की नॉलेज और मैंने ये इस बार सोचा है कि एक फुल लेंथ मॉक पेपर आ, हर यूनिवर्सिटी के लिए करेंगे जे के लिए मान लीजिए आई की एक पेपर बना दिया ए के लिए पेपर बनाया सी पी पे, एक पेपर इन टोटल जो कि चार पाँच हैं तो पांच मॉक पेपर आपको मिल सकते थे आप इस ग्रुप में ज्वाइन करते हैं आप टेस्ट पेपर को जो हिंदी इंग्लिश दोनों में ले सकते हैं गूगल फॉर्म पे ट्रांसलेट करके और इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि इन सब यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन मेरे पास में है उसकी जो पीपीटी पीडीएफ है वो आपको तीन साल चार साल या पाँच साल की दी जाए सेमेस्टर एग्जाम गाइड भी आपको जो है फ्री यहाँ मिलेगी जिसमें कि आप कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं और करेंट इवेंट इवेंट की जो मैं वीकली या मंथली जो या पोर्ट पीपीटी में हूं लेक्चर उसकी पीडीएफ भी आपको यहां पे मिलेगी यदि आप इन सब का फायदा उठाना चाहते हैं नॉमिनल कॉस्ट तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अपना नेम टेलीग्राम मोबाइल नंबर इस ईमेल आईडी पर भेज के पॉल साइंस हेल्प एट द रेट ऑफ जी मेल डॉट कॉम इसमें प्लीज अपना नेम टेलीग्राम आईडी और मोबाइल नंबर जरूर दीजिए नहीं तो फिर आपको दूसरी बार मेल करना पड़ेगा अब चलिए आगे बढ़ते हैं थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस मास्टर कोर्स जो पॉल साइंस से रिलेटेड है पॉलिटिकल साइंस से एम में वो पांच हैं पॉलिटिकल साइंस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ह्यूमन राइट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल वेस्ट एशियन स्टडी इन सब में आप जो है भाग ले सकते हैं यदि आपका पॉल साइंस का बैकग्राउंड हो ऐसे नहीं भी है तब भी ले सकते हैं लेकिन पॉल साइंस के स्टूडेंट के लिए सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं ये इसकी जानकारी सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे चार कोर्स मैंने वेस्ट एशिया को छोड़ दिया है पॉल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सबके ये कोड हैं तो इस कोड से आप प्रॉस्पेक्टस में देख सकते हैं आप प्रॉस्पेक्टस इसका डाउनलोड कर सकते हैं इस साइट से वहीं से सारी ये इंफॉर्मेशन क्रल आउट की गई है ए एम यू कंट्रोलर एग्जाम्स डॉट कॉम यहीं पर आपको फॉर्म भी भरनी है इसकी फी जो है फॉर्म भरने की लिखी हुई आठ सौ रुपए आपको लगेंगे फॉर्म भरने की डेट जो है शुरू हो चुकी है तीन चार दिन पहले 21 मार्च से लेके 16 अप्रैल तक तो अभी काफी दिन है आपको तो कुछ मिनट केवल लगते हैं फॉर्म भरने में तो आपको बहुत ज्यादा समय है और एक कोर्स के लिए आपको एक फॉर्म सेपरेट भरनी है तेईस चार तक जो है आप लेट फी के साथ भर सकते हैं ये ध्यान रखिएगा तो और भी कुछ दिन आपको मिल जाते हैं और ये सब जो कोर्सेज हैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के हैं टेस्ट सेंटर जो है ध्यान रखिएगा केवल अलीगढ़ में है मतलब आपको अलीगढ़ में जाके ही एग्जाम देना होगा ये इसकी लिमिटेशन है टेस्ट का डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है और केवल एक ही टेस्ट होगी जिसमें कंबाइंड पॉल साइंस पब्लिक एड ह्यूमन हुँ, राइट और आई होगी इसमें कोई दूसरा टेस्ट नहीं होगा ये बात ध्यान रखिएगा तो एक ही टेस्ट समझ लीजिए है इसकी सिलेबस नहीं दी गई है लेकिन इसके जो क्वेश्चन है वो बहुत ही स्पष्ट बताते हैं कि वो एकदम जनरल जो पहले डी यू ई टी आती थी या जामिया के जो पेपर आप देखते हैं उससे ही मैच करता हुआ है उसमें कुछ क्वेश्चन नॉर्मल पॉल साइंस के रहेंगे डब्ल्यू पी टी आई पी टी एंड पब एड के क्वेश्चन रहेंगे इंटरनसल रिलेशन के और ह्यूमन राइट्स चुकी है तो ह्यूमन राइट के भी उसमें क्वेश्चन रहते हैं बहुत ही इजी uh, लेवल का पेपर आता है लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन इसमें बड़े ही अच्छे और मीडियम और मॉडरेट और बहुत ही क्यूरियस क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं वो तो हम लोग डिस्कस डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे करेंगे जब आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तब तो आपको काफी ज्यादा डिस्कशन होगी इसकी सिलेबस जो है नहीं दी गई है मैं आपको फिर से बता रहा हूँ तो इसलिए इन जनरल आपको प्रिपेयर करना है इसके पी वाई क्यू ए को देख करके करना है और समझ लीजिए सी यू टी के सिलेबस को ही आपको एक तरीके से फॉलो करना है अब आइए थोड़ी बहुत जो अलग अलग कोर्सेज जो है इसमें एम ए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है चार सेमेस्टर की कोर्स है मतलब तो दो साल में इसका कोर्स कोड ये है अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये तो इनटेक इन्होंने दस लिखा आई डोंट आई थिंक की इतने कम होंगे लेकिन हाँ ठीक है ये वेटिंग लिस्ट में काफी रखते हैं और सबको यदि आप जोड़ देंगे क्योंकि एक ही एग्जाम है तो सौ से ज्यादा सीट इसमें है इसलिए आपको इसको ज्यादा वैल्यू देने की जरूरत नहीं है क्वालिफाइंग एग्जाम जो इसकी है इसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी बी ए बी एस सी बी कॉम बी एल एल बी कोई भी इसमें ज्वाइन कर सकता है फिफ्टी परसेंट मार्क्स यदि उसको अंडर ग्रेड में है तो इसकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है ये मैंने पढ़ लिया है आप यहाँ पर केवल देखिए स्पेशलाइजन आप कर सकते हैं आगे जाके स्ट्रैटेजिक आई आर में सिक्योरिटी एंड पीस स्टडी में तो अच्छी बात है एज लिमिट भी इसमें है यहाँ पे बहुत गौर करने की बात है सिलेबस नहीं दिया इन्होंने लेकिन इन्होंने एग्जाम का टेस्ट पैटर्न बताया है और सबकी एक ही है क्योंकि एक ही एग्जाम होगी आपको पता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अलग एग्जाम होगी नहीं ह्यूमन राइट पॉल साइंस और पाबैड के साथ ही एक ही पेपर होगा उस पेपर में सत्तर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस सत्तर मार्क्स के और उसमें निगेटिव मार्किंग भी वही पॉइंट टाइप की होगी और दस जो है शॉर्ट आंसर टाइप होंगे जिसमें थर्टी मार्क्स के तो मतलब तीन तीन मार्क्स के जो छोटे छोटे होंगे और इसी सिलेबस कुछ मतलब ह्यूमन राइट के क्वेश्चन होंगे कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जो करंट इवेंट्स से जुड़े हुए हो सकते हैं कुछ जो है जनरल जो क्वेश्चन आपको होते हैं डब्ल्यू पी टी के थिंकर्स पे थ्योरी पे Uh, तो बहुत ही uh, मुश्किल ये नहीं है आपको आपको इन जनरल कुछ भी तैयारी करनी जरूरती है मैं जो सेमेस्टर एग्जाम गाइड दूंगा यदि उसको आप ठीक से पढ़ लेते हैं तो 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं इस चीज में हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस तरह के जब आंसर लिखने आते हैं एग्जाम में किसी भी कंपटीशन में तो कोई भी बच्चे अच्छा नहीं लिख पाते इसलिए आपको वहां ये नहीं सोचना है कि मैं कितना अच्छा लिखूंगा ये लिखूंगी आपको कुछ भी लिख देना है केवल इधर-उधर की बातें बहुत ज्यादा नहीं करनी है टू द पॉइंट जितना आप समझ सकते हैं थोड़ा लिख दीजिए, वही काफी हो जाता है कम्पिटेटिव एग्जाम में सब्जेक्टिव के लिए मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कोई बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती है वही पे सोच के आप लिख सकते हैं क्योंकि आपने इतना सारा एग्जाम दिया है अंडर ग्रेड का तो आपको यह दिक्कत नहीं होनी चाहिए और ये तो यहाँ पे फिर से बता दिया कि केवल टेस्ट सेंटर अलीगढ़ में ही होगा और एक कंबाइंड टेस्ट होगा सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देर विल बी ए कंबाइंड टेस्ट फॉर एडमिशन टू एम ए पॉल साइंस एम ए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एम एन ह्यूमन राइट एम ए इंटरनेशियल पॉलिटिक्स ये सबसे इंपॉर्टेंट दो इन्फॉर्मेशन है कि एक ही टेस्ट होगा और केवल अलीगढ़ में ही जाके आपको टेस्ट देनी होगी और ये क्वालिफाइंग एग्जाम सेम वे जो है यहाँ पे सेम uh, है इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है Uh, यहाँ पे कल जो यदि आप वेस्ट एशियन स्टडी में जाना चाहते हैं तो ग्रेजुएट विथ वेस्ट एशियन स्टडी एज सब्सिडरी सब्जेक्ट लेना होगा आपको तो थोड़ा यहाँ पे इन बंदिश इन्होंने कर दिया है या ग्रेजुएट विथ इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस तो पॉलिटिकल साइंस यदि आप हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है हिस्ट्री ज्योग्राफी सोशलॉजी एज मेन सब्जेक्ट दिया है तब भी आप इसमें भाग ले सकते हैं और एज लिमिट तो ठीक है डिपार्टमेंटल फिर वही सेम एग्जाम uh, जो है लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान दें कि इसका एग्जाम नहीं लिखा है कि कंबाइंड है उसके साथ में तो ये हो सकता है इसका पेपर ही अलग सेट करें लेकिन पैटर्न सेम है सेवेंटी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस और दस जो है शॉर्ट आंसर टाइप होंगे मुझे लगता है कि इसकी भी पेपर सेम होगी क्योंकि इसमें इतना कम इंटेक है कि ये अलग एग्जाम लेने कोई मतलब नहीं है ये उसी में शामिल है पॉलिटिकल साइंस में जो है इनटेक टेक फोर्टी या सबसे बड़ा चंक जो इन सब सब्जेक्ट uh, में सबसे बड़ा इसी का है क्वालिफाइंग एग्जाम आप देख सकते हैं कि बीए बीएससी बीकॉम बीएलबी कोई भी सब्जेक्ट से आप हो केवल इंजीनियरिंग और मेडिकल नहीं होना चाहिए या एमबीए तो आप 50 परसेंट मार्क्स के साथ यदि आपने अंडर किया है तो आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं इसकी कोई अहमियत नहीं है ये पूरा आपको अलाउड है ट्वेंटी सेवन डिपार्टमेंटल टेस्ट है इसका मतलब है कि केवल अलीगढ़ में सेंटर होगी और सेम पेपर वही सेवेंटी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और 10 जो है शॉर्ट आंसर टाइप तो ये तो एकदम एक ही पेपर है तो बार बार इसको कहा गया है कंबाइंड टेस्ट होगी सेम इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है यहाँ भी सेम क्राइटेरिया है ज्वाइन करने का आपको कोई बी ए बी एस सी बी कॉम बी एल एल बी होगा और यहाँ पे इंटेक जो है ट्वेंटी है और डिपार्टमेंटल टेस्ट केवल अलीगढ़ में होगी सेम पेपर सेवेंटी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विथ निगेटिव मार्किंग सेवेंटी मार्क्स हैं दस शॉर्ट आंसर और एक ही कंबाइंड पेपर होगी और ये सब जो है इस वेबसाइट पे ही आपको जाके मिलेगी आपको यहीं पे फॉर्म भी वेबसाइट को हमेशा आपको ह्यूमन राइट्स में भी जो है सेम है बी ए बी एस सी बीकॉम कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं है इन टेक यहाँ फिफ्टीन है डिपार्टमेंटल टेस्ट सेम टेस्ट सेवेंटी ऑब्जेक्टिव और टेन शॉर्ट आंसर्स और यहां पे कंबाइंड टेस्ट की बात की रिजर्वेशन जो है तो टोटल मिलाकर आप देख सकते हैं सौ से ज्यादा सीट जो है इन पांच सब्जेक्ट में है रिजर्वेशन जो है काफ़ी कैटेगरीज के लिए है सेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लास को एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉम चिल्ड्रन ऑफ यूनिवर्सिटी इंप्लॉय यदि यूनिवर्सिटी के इंप्लॉय हैं तो उनके बच्चों का रिजर्वेशन है यदि किसी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पास किया तो उनके बच्चों के लिए भी है कुछ रिजर्वेशन चिल्ड्रन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉय रिसेंटली पोस्टेड ट्रांसफर टू अलीगढ़ यदि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के इंप्लाई है और रिसेंटली अलीगढ़ ट्रांसफर हुए हैं तो उनके भी बच्चों के लिए है यदि डिस्टेंट स्टेट यूटी के हैं जैसलमेर अलीगढ़ है, है यूपी में तो यूपी से एडजस्टेड स्टेट यदि आपका नहीं है तो आपको डिस्टेंट स्टेट माना जाता है इस तरह कुछ इसके और सेंटर हैं केरला में है और कहीं पे और हैं तो वहां पे भी जो है यदि उस सेंटर में आप भाग लेते हैं उससे कोई एडजसेंट स्टेट या यूटी नहीं है तो आपको डिस्टेंट माना जाएगा उसमें भी थोड़े आपको एनसीसी कैडेट आप के, तो के, के लिए हर जगह यदि सर्टिफिकेट है, कि आपको है कि आप हैं। इस तरह के यदि आपके पास में है सर्टिफिकेट uh, तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं चिल्ड्रन ऑफ आर्म हु डाइड इन कॉम्बैट ये भी जो है uh, बहुत जगह इसकी रिजर्वेशन होती है इन्होंने भी बहुत ट्रांसपेरेंट वे में कहा है कि हम जो है एग्जाम के बाद अपने आंसर की को डिस्प्ले करेंगे आप चैलेंज कर सकते हैं कुछ फी दे करके जो बहुत ज़्यादा नहीं है और एक कमेटी होगी जो उस चैलेंज को देखेगी और फिर करेक्ट आंसर जो है बाद में निकाला जाएगा और उस कमेटी का डिसीजन फाइनल होगा उसके बाद हम कुछ भी नहीं सुनेंगे ऐसा बताया गया लेकिन फिर भी ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट है जस्ट लाइक जे सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस स्मॉल वीडियो आई होप कि इसमें आपको सभी वो जानकारी मिल गई थी और आप पढ़ना चाहते हैं तो मैंने जो वेबसाइट दिया है वहां जाइए उसके प्रॉस्पेक्ट्स को डाउनलोड कर लीजिए और मैं आपको ये सिखा भी रहा हूं एक बात कि कैसे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन चाहे वो पी हो चाहे वो पी हो उसको कैसे आप समझ सकते हैं मैंने जो काम किया कई स्टूडेंट अपने लिए खुद करते हैं वो क्या करते हैं प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड करते हैं और उसको लाइन बाय लाइन ध्यान से पढ़ते हैं ये बहुत मेहनत का काम है उसमें काफ़ी घंटे लग जाते हैं मैंने आपकी वो मेहनत बचाने की कोशिश की है लेकिन आपको ये एक्यूमेंट ये इपिस्टमोलॉजी आनी चाहिए कि प्रॉस्पेक्टस पढ़ के हम सब समझ जाए क्योंकि मैं देखता हूं कि मुझे इतने सारे मेल मिलते हैं सर क्या मैं ए एम के लिए एलिजिबल हूं यदि मैंने बी से पास किया है सर मैंने इंजीनियरिंग से पास किया है तो क्या मैं ए एम में जा सकता हूं जा सकती हूँ इस टाइप के क्वेश्चन मेरी एज इतनी है मैं जा सकता हूं कि नहीं क्या एक ही एग्जाम होगा टेस्ट सेंटर इसको इन क्वेश्चन को देख के लगता है कि आप ये ये जो इपिस्टिमोलॉजी है मतलब साइंस ऑफ नॉलेज वो सीख नहीं पाए हैं कि कैसे खुद ही प्रोस्पेक्टर्स को डाउनलोड करके आप सारी इंफॉर्मेशन आसानी से जान सकते हैं आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी इस तरह के वीडियो आपको हेल्प करते हैं क्योंकि ये आपका समय बचाते हैं और सभी बच्चे एक साथ देख लेते हैं इसलिए मैं आपके लिए ये काम कर रहा हूं लेकिन आपको सिखा भी रहा हूं थैंक्स फॉर वॉचिंग यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें अपने जूनियर्स को भी बताएं क्योंकि ये कम्युनिटी चलती रहनी चाहिए मेरे उत्साह को बनाने के लिए और फिर से आपको याद दिला रहा हूँ कि यदि आप जी एम आई एम यू सी पी यू टी उड़ीसा सी पी जी और इस तरह के जो छूट गए हैं पीजी इंट्रेंस टेस्ट यदि उसकी तैयारी करना चाहते हैं ब्यूटीफुल जर्नी के साथ मेरे साथ तो आप ज्वाइन कर सकते हैं आप मेल करें अपना नेम टेलीग्राम आईडी एंड मोबाइल नंबर पॉल साइंस हेल्प एट द रेट ऑफ पॉल जी मेल डॉट कॉम और यदि आप नेट जे आर एफ सेट असिस्टेंट प्रोफेसर पी जी टी एस एस बी की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं नेट जे आर एफ बैच जो चल रहा है फरवरी से इसके लिए आप अपना नेम टेलीग्राम आई डी एंड मोबाइल नंबर मेल करें पॉल साइंस हेल्प एट द रेट ऑफ पॉल साइंस हेल्प डॉट इन मैं रिपीट कर रहा हूँ पॉल साइंस हेल्प एट द रेट ऑफ पॉल साइंस हेल्प डॉट इन अभी भी काफी रॉन्ग मेल इसमें आ जाते हैं फिर आपको घूमना पड़ता है इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं मैं आपके क्वेश्चन के जवाब देने की भरसक कोशिश करता हूँ यदि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और उसका जवाब एक लाइन में दिया जा सके तो फिर से आप सबों को होली की बहुत बहुत बधाई खुश रहिए स्वस्थ रहिए अच्छे एनवायरनमेंट में खुशी मन से और सौहार्द से जो है होली का त्यौहार मनाए बेस्ट विशेज मिलेंगे बहुत जल्द बाय